हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि कोरोना वायरस हर तरफ फैला हुआ है और इससे बचाव के लिए हम सभी ने खुद को घर पर लॉकडाउन कर लिया है। मगर सब्जियां और फल तो हमें लाना ही पड़ता है बाहर से। जब हम बाहर से सब्जियां या फल ला रहे हैं तो उसमें भी संक्रमण का खतरा या डर लगता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि बाहर से लाई हुई सब्जियों और फल को घर पर कैसे सैनिटाइज करें या सब्जियों और फल में जो भी बैक्टीरिया या किसी भी तरह का छिड़काव है उसे कैसे साफ करें। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल में गुनगुने पानी से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म पानी लिया है, मतलब कि जब आप हाथ डालो तो आपको गर्म महसूस होना चाहिए। ये साफ पानी है। अब इसमें मैं डालूंगी एक बड़ा चम्मच नमक। ये जो नॉर्मल चम्मच हम सबके किचन में अवेलेबल होता है ना, यही वाला मैंने मेजर किया है। नमक जो है वो काफी अच्छा क्लेंजर भी है, तो इसको हम इसमें डाल देंगे नमक को। और इसमें मैं डाल रही हूँ एक और चीज जो कि है मीठा सोडा, सबके घर में अवेलेबल होता है। ये मैंने एक छोटा चम्मच लिया है, या फिर ये जो नॉर्मल चम्मच होता है इसको आप आधा ले सकते हैं। ये जो भी ये दोनों चीज़ें पानी में मिक्स होने के बाद हमारी सब्जियों को पूरी तरीके से क्लीन कर देती है। जितने भी उसमें पेस्टिसाइड्स हैं या कीटाणु हैं या कुछ भी छिड़काव है वो सारा क्लीन कर देगी, क्योंकि आजकल कोरोना वायरस भी चल रहा है और हर इंसान डरता है सब्जी फल कुछ भी खाने से। तो ये बेस्ट तरीका है। इसको आप रोज भी कर सकते हो, या आप इकट्ठी सब्जी लाते हो तो अपनी सब्जी की क्वांटिटी के हिसाब से आप बर्तन लें, बड़ा पतीला, टब, बाल्टी, आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने ऑलरेडी सारी सब्जियां क्लीन करके रखी हुई हैं, सैनिटाइज करके रखी हुई हैं। ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए छोटे से बाउल में कर रही हूँ, वरना आपकी जो भी सब्जी की क्वांटिटी हो उस हिसाब से आप अच्छे से पानी लेना। बस ध्यान ये रखना पानी गुनगुने से थोड़ा ज़्यादा गर्म हो। अब हम इसमें अपनी सब्जियां डाल देंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक शिमला मिर्च डाल रही हूँ, टमाटर, टमाटर का ये जो ऊपर का होता है इसको आप हटा दीजिए इस तरीके से, बड़ी हरी मिर्च, यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी बीन्स भी हैं, एक छोटी गाजर भी है और खीरा भी है। तो इन सभी सब्जियों को आपको अच्छे से पानी में डिप करके 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो 10 मिनट हो चुके हैं इन सब्जियों को अच्छे से डिप किए हुए। अब हम इन सब्जियों को लेंगे और अच्छे से रगड़ रगड़ के ना बिल्कुल इसको इस तरीके से हम एक अलग टोकरी में या किसी भी चीज़ में रखते जाएंगे। तो इस तरीके से करना है फ्रेंड्स। इस टाइम कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो प्लीज़ इस मेथड को अपनी सब्जियों के लिए, फ्रूट्स के लिए ज़रूर अपनाइए। मैं ये नहीं कहूँगी ट्राई करिए, मैं ये कहूँगी कि रोज़ अपनाइए इसको, क्योंकि ये आपके सब्जियों और फ्रूट्स को प्रॉपर आपके लिए सेफ बनाएगा। क्योंकि हमें नहीं पता है कि सब्जियाँ कितने हाथों से टच होके आ रही है और कौन किस वायरस से संक्रमित है। तो ये बेस्ट तरीका है कि आप अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रखो। तो ये देखिए मैंने सारी सब्जियां अच्छे से रगड़ के निकाल ली हुई हैं। अब इसको डायरेक्ट हम नॉर्मल पानी से धोएंगे, जैसे कि हम धोते हैं। बस इस तरीके से हमें अच्छे से धोना है इन्हें। अब आप सब्जियों को किसी भी टोकरी में या जिसमें भी आप निकालना चाहते हैं उसमें रख के, या तो आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए धूप में रख दीजिए। वैसे तो ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि धूप में वायरस प्रॉपर मर ही जाता है या कोरोना वायरस खत्म हो जाता है, पर फॉर अ सेफ्टी आप इसको रख सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपकी जो गीली सब्जियां ये फटाफट से सूख जाएंगी। अगर आप धूप में नहीं रखना चाहते तो आप इसको किचन काउंटर पे ही रख लीजिए, जहां भी आप रखते हो, और इन सब्जियों को अच्छे से सूख जाने दीजिए। उसके बाद आप इसको फ्रिज में नॉर्मली जैसे सब्जियां रखते हैं वैसे ही रख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप कोई और टॉपिक पे कुछ पूछना चाहते हैं, आपका क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।